खबर महाराष्ट्र से, जहां चुनाव के बीच नेताओं के बैग और हेलीकॉप्टर की तलाशी जारी है। बारामती में अब शरद पवार के बैग की तलाशी हुई है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने शरद पवार के बैग की तलाशी ली है। इसके पहले गृहमंत्री अमित शाह की भी तलाशी हो चुकी है बैग की, देवेंद्र फडणवीस की हो चुकी है, एकनाथ शिंदे की भी हो चुकी है, राहुल गांधी की हुई, और राहुल गांधी की जब हुई थी वीडियो वायरल हुआ था, उद्धव ठाकरे ने भी किया था, और उसके बाद से लगातार ये सिलसिला जारी है। और अब बारी शरद पवार की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बैग की तलाशी ली है, हेलीकॉप्टर की भी और बैग की भी। तो बारामती में शरद पवार के बैग की तलाशी, ये बड़ी खबर है। इस बीच बैग तलाशी का मुद्दा विपक्ष ने उठाया था, उसके बाद से लगातार हमने देखा गृहमंत्री की भी बैग की तलाशी हुई, इसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की भी बैग तलाशी हुई, सबकी तलाशी हो रही है। चुनाव आयोग काफी सक्रिय है, अधिकारी काफी सक्रिय हैं महाराष्ट्र चुनाव, विधानसभा चुनाव से पहले। तो महाराष्ट्र का चुनाव और बैग तलाशी को लेकर तनाव। शरद पवार की मौजूदगी और उनके सामान की चेकिंग हो रही है चुनाव। विद्या हमारी सहयोगी इस खबर पर और ज्यादा आप सभी तक जानकारी पहुंचाएंगी। विद्या, ये जो बैग तलाशी का मुद्दा विपक्ष ने बनाया, चुनाव आयोग काफी एक्टिव है इसमें, लेकिन सभी लोग हैं, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष, सबकी तलाशी हो रही है। जी बिल्कुल, ये जो कितने सारे वीडियोस हमने पिछले कुछ दिनों में देखे हैं उनके जरिए यही दिख रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ किसी तरह से भेदभाव तो करता हुआ नहीं दिख रहा है, और साथ ही जो पक्ष हो या विपक्ष हो सबके बैग्स चेक हो रहे हैं, चाहे वो कोई गृह मंत्री से लेकर आप कह लीजिए राज्य में कुछ नेता हैं उनके, खास तौर से हमने देखा विपक्ष के जो नेता हैं उनका, जैसे उद्धव ठाकरे बार बार यही आरोप लगा रहे थे कि उनके ही बैग बार बार चेक हो रहे थे, उनको क्राई बेबी का एक लेबल देते हुए देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया था कि ये सबके साथ हो रहा है, आप ही के साथ अकेले नहीं हो रहा है। उसके बाद से ही ये देखा गया कि इतने सारे वीडियो सामने आ गए जिसमें कि सबके बैग्स चेक हो रहे हैं, सबके हेलीकॉप्टर की चेकिंग हो रही है, जहां से जो फ्लाई कर रहा है, जो स्टार कैंपेनर्स है खासतौर से, उनके तो जरूर चेकिंग हो रही है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। शुक्रिया विद्या इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, शरद पवार की बैग की तलाशी ली गई है, ये तस्वीरें आज ही की हैं। इसके पहले दरअसल विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया था, उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले आपत्ति इस पर जाहिर की थी, इसमें अधिकारियों के साथ उनकी नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई थी, और उसके बाद से फिर राहुल गांधी के भी बैग की तलाशी ली गई, फिर सत्ता पक्ष से महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री उनके बैग की तलाशी ली गई, उसमें एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं उनकी भी बैग की तलाशी ली गई, गृहमंत्री अमित शाह की बैग की तलाशी ली गई। तो चुनाव आयोग सख्ती बरत रहा है, और चुनाव आयोग, विद्या हमारे साथ हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। विद्या, लेकिन इसमें जिस तरह से इसको पॉलिटिसाइज किया गया था, ऐसा कुछ नहीं है, चुनाव आयोग सभी के बैग की तलाशी ले रहा है, चाहे वो विपक्ष के लीडर्स हों या फिर सत्ता पक्ष के लीडर्स हों, तो फिर इसको इतना तूल देने की आवश्यकता कहां पड़ी? जी देखिए, शुरुआत में तो ये वीडियोस जो है सत्ता पक्ष के लोगों के आए नहीं थे, ये तो तब आए जब रिबटल के तौर पर जब आरोप लगाया था दरअसल उद्धव ठाकरे ने। अगर आपको याद हो सबसे पहले उद्धव ठाकरे ने उनकी लगातार 2 या 3 दिन चेकिंग होती रही, और वो बार बार वही कह रहे थे कि ये क्यों है कि सिर्फ हमारी ही चेकिंग हो रही है, सामने वालों की भी चेकिंग करो। तो जब वो आरोप लगाया था तब उसके बाद ये सारे वीडियोज आए थे जिसमें कि देवेंद्र फडणवीस के बैग की चेकिंग हो रही थी, उसके साथ ही नितिन गडकरी बैग की चेकिंग हो गई, फिर उसके बाद जैसा कि और कुछ वीडियोस आए तो उसके बाद विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि हमारी बैग की चेकिंग तो ईसीआई करता है, लेकिन ईसीआई जब इनके पक्ष वाले जो लोग हैं उनकी जब चेकिंग करता है तो मीडिया को बुला के चेकिंग करवाते हैं, ऐसा क्यों है। तो बहरहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, बट इसके चक्कर में ईसीआई का जो एक रोल दिख रहा था वो यही था कि वो सबकी चेकिंग कर रहे थे, चाहे वो पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उन सबके बैग की चेकिंग हो रही थी। खासतौर से स्टार कैंपेनर्स जो थे उनकी तो चेकिंग हो ही रही थी, और साथ ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी इंश्योर कर रहा है कि कहीं से किसी तरह के कैश का कोई ट्रांजैक्शन, कहीं कोई लोगों के लुभावने के लिए इस तरह के जो चीजें होती हैं उसका कहीं ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो, ये मेन है जिसको देखने के लिए ये ईसीआई चेकिंग करती रहती है। तो विद्या, जब विपक्ष पहले सवाल खड़ा कर रहा था, और अब क्या जब सबकी चेकिंग हो रही है तो इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन सामने आई?
जी उनका यही कहना है कि ये तो तब हुआ जब आरोप लगाया जब इसके पहले उद्धव ठाकरे की लगातार 2 या 3 बार चेकिंग हो रही थी। एक तो ये है कि देखिए उद्धव ठाकरे जो बार बार कह रहे थे वो ये नहीं कह रहे थे कि सिर्फ चेकिंग को लेके, उनका ये कहना था कि हर किसी को एक बराबर से इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए। यानी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर स्टार कैंपेनिंग करने के लिए शोलापुर आ रहे हैं तो वो भी एक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर नहीं आ रहे हैं, वो भी एक स्टार कैंपेनर के तौर पर आ रहे हैं। बने रहिएगा, दो तस्वीरें अब दिखा रहे हैं जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई। उद्धव की तलाशी हुई और यहां से विवाद, उद्धव ठाकरे ने इसको डाला था, मुद्दा उठाया था, सोशल मीडिया पर भी डाला था और नुकझोंक की भी तस्वीरें सामने आई थी अधिकारियों के साथ कहा सुनी। लेकिन उसके बाद से अब देखिए बारी बारी से सबकी तलाशी हो रही है, लगातार ये वीडियो सामने आ रहे हैं और अब आज बारी शरद पवार की थी, जहां तलाशी लेते हुए इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो नजर आए।